चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि डोनापल बीच के बारे में। डोनापल बीच अभी फ़िलहाल तो ओपन हो चुका है, लेकिन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गोवा के सभी बीचेस अभी ओपन है, तो पब्लिक थोड़ा कम थी, टूरिस्ट वगैरह काफ़ी कम थे। लेकिन आज जानते हैं कि यहाँ पर क्राउड कितना है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे डोनापल बीच के पास बढ़ रहे हैं। चलिए, हम लोग अभी पहुँच गए यहाँ पर। काफ़ी सारे टूरिस्ट आकर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आनंद ले लिए और दूसरे बीच का आनंद लेने के लिए चले गए। तो यह है डोनापल बीच। डोनापल बीच काफ़ी फेमस बीच है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो पंजिम में आता है, पंजिम से 7 या 8 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस है पंजिम बस स्टैंड से। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आपको। और मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिंगम मूवी की, एक दूजे की, काफ़ी सारे फिल्म की मूवीज़ की शूटिंग वगैरह यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे, यह है डोनापल का पूरा एरिया। यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया पड़ता है, जैसे कि ये बॉम्बोलियम वगैरह भी जाता है यहाँ से, रास्ता वगैरह। तो यहाँ पर ये पूरा आपको व्यू यहाँ पर से दिखता है। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पर मूवीज़ वगैरह की शूटिंग काफ़ी सारी हो चुकी है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ का मार्केट का हाल चाल भी जानते हैं। जैसे कि अभी बीच के पास कुछ दुकानें हमेशा से चालू रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दुकानें बंद थी, लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हो कि ऑलरेडी दुकानें भी अभी यहाँ पर स्टोर वगैरह, कपड़ों की दुकान, वॉचेस, सनग्लासेस, बैग्स, एनीवेयर ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, सनग्लासेस की दुकान है, ओपन हो चुकी है। ऐसे सारे काफ़ी सारे दुकानें यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे जानकारी के लिए, और मैं आगे आपको बता भी दूंगा कि डोनापल बीच का अभी जो रास्ता बन रहा था, अभी वो बना या नहीं बना है, वो भी आपको बता दूंगा। नहीं तो पिछली बार की तरह ही हमको आधे से ही यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर टूरिस्ट ऑलरेडी थोड़े थोड़े आ चुके हैं। देखिए अभी यहाँ पर तो अभी रास्ता भी अभी बना नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ लोग उसड़ गए हैं, मतलब ये मछुआरे लोग हैं, यहाँ पर मच्छी पकड़ने के लिए आते हैं, तो इन लोग गए हैं और कोई टूरिस्ट यहाँ पर गए नहीं। तो यहाँ देखिए, ये डोनापल सीन का वो नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तस्वीरें आती है, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आती है। यहाँ पर हर साल टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें लेते, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। तो गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड डे दोस्तों।